अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज व अमान में रखे और अपने प्यारों के साथ खुश और आबाद रहें। कुक विद रूमी में मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं बना रही हूँ चने के सत्तू का शरबत। चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं सत्तू तैयार करूँगी, उसके लिए मैंने रोस्टेड चना ले लिया है। इसे मैं पीस लूँगी ग्राइंडर में डालकर। सत्तू बना लिया है मैंने, अब मैं इसे छान लूँगी। छान लिया है हमने, इसी तरह मैं सारे चने को पीस लूँगी और सत्तू तैयार कर लूँगी। सारे चने को पीस के सत्तू तैयार कर लिया है मैंने, अब चलें इसका शरबत बनाते हैं। अगर आप घर में सत्तू तैयार करना नहीं चाहते तो मार्केट में भी आपको इस तरह आसानी से दस्तयाब है, आप वहाँ से ख़रीद कर फिर इसका शरबत बना सकते हैं। दो तरीके से मैं चने के सत्तू का शरबत तैयार करूँगी। पहले मैं दूध के साथ तैयार कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक गिलास में हम 1 टेबल स्पून भर के चने का सत्तू लेंगे। ये मैं ग्लेंडर में डाल रही हूँ। चार टेबल स्पून चने का सत्तू मैंने ग्लेंडर में डाल दिया है। 1.5 से 2 गिलास दूध शामिल करूंगी। मैं इसमें गुड़ का शीरा डाल रही हूँ। मीठा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सत्तू का शरबत तैयार है। ठंडे के लिए इसमें बर्फ़ डालें, आप चिल करें और उसके बाद सर्व करें। अब मैं पानी के साथ चने के सत्तू का शरबत तैयार करूंगी। उसके लिए गुड़ का शीरा ले लिया है मैंने। मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून चने का सत्तू, पानी, ठंडा पानी लिया है मैंने। अच्छी तरह मिक्स कर दूंगी। लेमन जूस थोड़ा सा। फ्रेश पुदीने का पत्ता ले लिया है मैंने। आइस क्यूब। दूसरा शरबत भी हमारा तैयार है। चने के सत्तू का शरबत सर्व करने के लिए तैयार है। जैसे आप पसंद करते हैं, पानी या दूध में, आप इसे बनाएं और समर में एंजॉय करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँच सके। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएँ कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। ओके व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़।